एंड जो लास्ट में धमाका दिया है आपकी तरफ से काफी अमेजिंग लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं अपने किरदार के बारे में इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रही थी ताकि जब आप लोग एपिसोड देखें तो आपको यू नो वो जो सरप्राइज था वो अगले सरप्राइज ही रहे। बट आई होप यू गाइज लाइक इट। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से ये एपिसोड बनाया है, पूरा शो बनाया है इनफैक्ट। एंड जस्ट आई होप अल्लाह मे इज काइंड टू अस एंड इट डज रियली वेल। Yeah. What would you like to say about the internship of internship देखने वाले, क्योंकि वो जो epic था last में end हुआ, अब internship के आगे क्या होने वाला है आपके किरदार से? Well, intern बन गई है अंकिता, बहुत जल्द ही lawyer भी बन जाएगी and then the story will take another turn. So I think Ankita is that one character जो story turn करने आती है हमेशा, जैसे उसने last episode में story turn की, वैसे ही Ankita है पूरे शो में, but she'll always come to turn the story over again and lead it somewhere else. So it's a fun character. And now I'm so overwhelmed, I don't even know what to say. रीम, जो शो का हमने जस्ट देखा है कि आप काफ़ी एक बड़ा बदला लेने आ रही है, क्या होने वाला है कैरेक्टर, क्या जेनिफर के साथ आपकी फाइट दिखाई देगी? टू टॉप एक्ट्रेस गोइंग टू फाइट ऑन द बिग स्क्रीन। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बट यस, बहनें हैं, बहनों के बीच में नोकझोंक तो होती रहती है एंड दीज आर हाफ सिस्टर्स। So let's see how the relationship will take a turn. ये दोनों बहनों के बीच में प्यार बढ़ेगा या फिर नफरत बढ़ेगी वो देखेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। So please stay tuned. आपने कितना कुछ सीखा, मतलब कुछ इस कैरेक्टर के लिए एडवोकेट से आप मिले हैं कोई एडवोकेट से? वेल, हमारी राइटिंग टीम, हमारी क्रिएटिव टीम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने होमवर्क इतना अच्छा किया है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड आवर डायरेक्टर, उन्होंने अपना होमवर्क इतने अच्छे से कर लिया कि वही हमें आधी ज़्यादा चीज़ें बताते रहते थे। सो उन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर लिया। सो थैंक्स टू द डायरेक्शन टीम, राइटर्स टीम एंड द क्रिएटिव टीम। बाकी सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। आई थिंक बाई द एंड ऑफ दिस शो आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम अंकिता, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज द होल जर्नी ऑफ अंकिता इज़ अबाउट वेदर शी विल बिकम अ बेटर पर्सन और वेदर शी विल गो अहेड एंड सीक रिवेंज। मम्मी जी को काफ़ी प्रॉब्लम है, क्या है, क्या बीमारी है, कुछ अगर आप बता सकते थोड़ा सा? मम्मी जी को as you guys know now that I am Rajdeep's daughter, so उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था। So it's a lot and honestly I can't tell you much about the story. You have to watch tomorrow's episode. आपने आज का देखा है, आप Monday, Tuesday, Wednesday देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा that किसने जो किया वो क्यों किया। So you have to watch all the episodes to understand what the story is. मैम कितने एपिसोड्स आने वाले हैं, मतलब 100 एपिसोड्स होंगे क्या ये कुछ अगर हम? वेल, इतने एपिसोड्स होंगे कि आपका जो टमी है वो फुल हो जाएगा। आई विल नॉट गिव यू द करेक्ट एग्जैक्ट नंबर, बट इतने एपिसोड्स ज़रूर होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।